दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट, उसका वर्गमूल आप सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई संख्या नन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर, 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी निकालेंगे 5 सेकेंड के अंदर, ये भी निकालेंगे। इस वीडियो को केवल आपको अंत तक देखना है। देखिए अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि यहां पर 25 है, 25 का अगर हमको निकालना है स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, सिंपल है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो 25 है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या का। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, यानी 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल है 5। खैर तो यहां पर तो भाई 5, 17, 91, 232 ये सब तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए भाग विधि का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा लंबा समय लेता है कुल मिलाकर के। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लंबा समय लेता है। अगर नहीं देखे भाग विधि वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं भाग विधि के द्वारा। ठीक है, भाग विधि के द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। खैर हम इसमें ट्रिक पर चर्चा करेंगे केवल। देखिए निकालना है किसका, 5 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 5 का। सबसे पहला देखिए क्या करना है, 5 है, 5 को आपको इस तरह से लिखना है। क्या कीजिए आप, 5 को आप लिख सकते हैं 4+1। आप बोलेंगे कि 4+1 क्यों लिखे, कारण है देखिए 5 के आमने सामने अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको मिलता है तो उसको लेना जरूर है। ठीक है, या तो उसके साथ कुछ घटाना पड़े या फिर जोड़ना पड़े, नहीं समझ आया। जैसे कि यहाँ 5 था, 5 को हम 4+1 इसीलिए लिखे क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, यानी 4 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। 2 × 2 = 4 होता है, नहीं होता, यानी 2 का स्क्वायर 4 है। अब उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के ये रूट 5 ही है, लेकिन रूट 5 को हम थोड़ा अलग तरीका से लिख दिए हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है रूट 5 में। ठीक है, यानी रूट 5 है, रूट 5 को हम √4+1 लिख दिए, क्या चेंजिंग हुआ, क्योंकि 4 में से 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, लेकिन तोड़े क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, या तो उसमें जोड़ना पड़ेगा या तो फिर घटाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर यहां पर 9 लेते, क्या लेते, 9, आप 5 को 9-4 भी लिख सकते हैं, 9-4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर 9-4 क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख भी सकते हैं, आंसर आएगा आपका, लेकिन इससे उतना सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, उतना शुद्ध नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसा स्क्वायर लेना है, ऐसा कि जो 5 के नजदीक ज्यादा हो, तो 5 के नजदीक ज्यादा 4 है कि 9 है, 4 है, तो यहां पर क्या लेंगे, हम 4 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, 4+1। अब करना क्या है आपको, सिंपली एकदम ध्यान देते जाइए। ठीक है, इसका एकदम स्क्वायर रूट एकदम आसान से निकल जाएगा। अब देखिए 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहां पर 2 लिख देना है। समझ में आ रही है बात, क्या किए, सबसे पहले √5 को हम √4+1 लिखे। अब ये जो 4 था, ये जो पहला डिजिट है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 × 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे। अब यहाँ डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, जो यहाँ पर आप लिए हैं उसका दुगुना यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 का दुगुना क्या होगा, यानी कि 2 × 2 करना पड़ेगा, यानी 2 का दुगुना मतलब 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 2+1/4। अब यहां पर इसको जोड़िए तो जाएगा 4 × 2 = 8 + 1 = 9, 9/4 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 × 2 = 8। अब यहां कितना बचा, 1 बचा, 1 में फिर 0 बैठ गया, फिर 4 × 2 = 8, यहां पॉइंट बैठाएंगे उसके बाद। ठीक है, फिर 4 × 2 = 8 हो गया, फिर वहां पर कितना बचा, 2 बचा, 2 फिर 0 बैठा, फिर 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया, 2.25 आया, यानी कि रूट 5 का जो मान है ये कितना आ गया, 2.25। सिंपली कोई दिक्कत नहीं, एकदम कुछ नहीं, अगर पहला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया दूसरा एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है। आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब निकालना है √17 का, किसका निकालना है, √17 का। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा इस 17 को ऐसा आपको लिखना है ताकि एक ऐसी संख्या को मिल जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 16, इसको हम 16+1 लिख सकते, नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। अगर आप 17 को
25 माइनस 8 लिखते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा। एक चीज़ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे कि रूट पाँच का जो मान आया है 2.25, अगर ये पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा और दशमलव के बाद में और बहुत सारी संख्याएं हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इतना आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें यहाँ पर 17 को 16 प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है, अब 16 जो है किसका वर्ग है, 4 का है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। अब जो 4 है इसका कर देना है दोगुना और इसके बटा में लिखना है। 4 का दोगुना क्या होता है 8, यानी 4 दोगुना 8, नीचे 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 चौके 32, 32 और 1 33, 33 बटा क्या हो गया 8। अब इसको काटिए, इसको क्या कीजिए, काटिए, 8 चौके 32, फिर यहाँ बचा 1, फिर हो गया पॉइंट बैठाएंगे, फिर 8 एकम 8, फिर हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा 8 बचे 40, ठीक है, यानी 4.125 कितना आया, 4.125। तो यहाँ दो ही अंक तक लिखें काफ़ी है, तो कितना हो जाएगा रूट 17 का मान, 4.12। देखिए देर लग रहा है, हम बता रहे हैं इसलिए आपको देर लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ देर नहीं लगेगा, 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 17 का निकाल दिए वर्गमूल, अब निकालते हैं हम लोग 91 का। धीरे धीरे हम बड़ी संख्या और की जा रहे हैं, ठीक है। अब कितना है, रूट 91 है, इसका निकालना है वर्गमूल। अब 91 को हम लोग 100 माइनस 9 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 बचेगा, क्लियर। हाँ, अब 9 नवा 81 अगर हम लेते, जैसे कि 91 को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, 81 प्लस 10, तो 81 जो है वो 91 से ज्यादा दूर है 100 के तुलना में, ठीक है, यानी 100 में हमको 9 ही जोड़ना घटाना पड़ रहा है, लेकिन अगर 81 लेते हैं तो हमको 10 यानी 9 से ज्यादा हमको जोड़ना घटाना पड़ रहा है। तो ये 91 के ये नजदीक है कि ये नजदीक है, 100 नजदीक है, तो क्या लेंगे, 100 लेंगे। 81 भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, खैर, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट आंसर नहीं आएगा। चलिए अब इतना ले लिया, बताइए 100 जो है किसका स्क्वायर है, 10 का है, तो 10 लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 10 का लेंगे तो गुना, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 20 दहाइए 200, ठीक है, 200 माइनस में क्या हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। अब 200 में से क्या घटाइए, 9 घटाइए तो कितना बचेगा, 100 बच जाएगा, 191 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। अब 191 को आप क्या कीजिए 20 से भाग दीजिए तो 9.55 आएगा, कितना आएगा 9.55 आएगा। अब तो कितना हो गया आंसर 91 का, रूट अंडर 91 का 9.55, सिंपली है, 191 को आप 20 से भाग दीजिए इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल गया। अब इसका निकालना है 232 का वर्गमूल, इसका भी निकल जाएगा। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, ठीक है, फिर से देखिए वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना है रूट अंडर, कितना है 232 है, 232। अब इसका निकालना है वर्गमूल। अब बताइए 232 के नज़दीक में, 232 के नज़दीक में कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 225 है, क्या है 225, 256 भी है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन 256 232 से ज़्यादा दूर है तो हम नहीं लेंगे 256, 225 ही लेंगे, क्योंकि 232 से क्या है ये नज़दीक ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 225 में 7 जोड़ना पड़ेगा। अब 225 जो है किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इस संख्या का दोगुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। अब इसका आप निकालिए एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 को गुना 15 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, यानी 450 प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, 450 है तो हो जाएगा 457 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 30। अब इसका आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद में आता है 15.23, कितना आता है 15.23, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15.23। तो इस तरह से आप अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो उसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सभी संख्याओं का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं इसी विधि से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसमें आंसर आता है
वो पूरा पूरी एग्जैक्ट नहीं आएगा, एकदम करीब आएगा। करीब करीब कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर 91 का अगर वर्गमूल आया है 9.55, तो हम 9.55 को अगर हम गुना करेंगे दो बार तो 91 आना चाहिए। लेकिन 91 आ भी सकता है, या फिर 0.01, या फिर थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना माना नहीं जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो समझ में आ गया होगा। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, उसका आप बना करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, कॉपी पेन निकालते नहीं हैं, जिससे आप सीख नहीं पाते हैं कोई चीज़ को अच्छी तरीके से। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम ठंडा चीज़ है ये, केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, उसके पीछे आपको कॉपी पेन भी निकालना पड़ेगा, नोट करते चलना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए हम हज़ार वीडियो एक दिन में देख लेंगे, तो क्या हज़ारों वीडियो जो देखे हैं हज़ारों चीज़ याद रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हज़ारों चीज़ अगर याद हो जाता तो फिर आदमी एक ही दिन में बहुत बड़ा विद्वान हो जाता। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको नोट कीजिए, और दो चार दिन तक उसको कम से कम स्टडी कीजिए, तो वो चीज़ परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। कोई ऐसा भी चीज़ हो चाहे जिसको कम से कम 20 बार 15 बार पढ़ना पड़ता है तब याद रहता है हमेशा के लिए। कोई ऐसा भी चीज़ है जो एक बार केवल देख लिए, दो बार देख लिए काफ़ी है, उतना ही याद हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रिक हम भूल जाएंगे बाद में, तो फिर आप नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा अभी वीडियो देखें लग रहा होगा कि नहीं याद हो गया, हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन फिर 10 दिन के बाद में अगर यही चीज़ फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, याद नहीं रहता है, क्योंकि है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आप इसका वर्गमूल निकाल करके बताइएगा हमको, 131। ठीक, एकदम सिंपल ही है, इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं पड़ा तो डिसलाइक का भी बटन नीचे दिया गया है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।